गोपी सहगोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि कृष्ण सर्वप्रथम परि गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमान भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात परि शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाशक्ति प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान राम के साथ में सीता जी की विवाह कैसे हुई है, उनकी विवाह महोत्सव को हम वर्णना करेंगे। बोले जिस समय भगवान राम श्री विश्वामित्र जी के साथ में चलते समय रास्ता में उनने ताड़का को बंद किया, पर ताड़का को बंद करते हुए फिर बक्सर जिला में गए, वहां पर उनका यज्ञ को संपूर्ण की, तो विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम तुमने एक यज्ञ तो सफल किए हो, बोले और एक यज्ञ मिथिलापुर में हो रही है, वो यज्ञ को भी तुम्हें पूरी करना पड़ेगा। अभी दोनों भाई जब मिथिलापुरी जा रहे थे बीच में उन्होंने अहिल्या को उधार लिया है। जब अहिल्या को उधार करने के लिए प्रभु किए उसी समय में वो जंगल को देखा पूरा उजड़ा हुआ, कोई जंगल में नहीं कोई जीव जंतु के भी नहीं। बोले क्यों? कारण है कि ये गौतम ऋषि के अभिशाप से ये अहिल्या पत्थर बन गई। पत्थर जब बन गई मानो उसकी जो दुर्दशा की वजह से भाग्यहीन की वजह से वो जंगल भी कोई पशु पक्षी वो जंगल में भी नहीं रहते। लेकिन भगवान राम बड़े दयालु बड़े कृपालु, यहाँ पर विश्वामित्र नहीं बताए, स्वयं राम अपने आप पूछे बोले प्रभु जी ये जंगल जनशून्य क्यों है, अरे ये पत्थर कौन है, ये पत्थर है कौन? तब श्री विश्वामित्र जी उनकी सारी पूर्व कथा सुनाए कैसे गौतम ऋषि के अभिशाप से ये अहल्या ने कैसे ये पत्थर बनी है, उनने सारी कथा सुनाई। बोले प्रभु राम इसको भी तुम्हें उद्धार करना पड़ेगा। अभी भगवान राम अभी बड़े संकोच में पड़ गए। बोले किस लिए संकोच में पड़ गए? बोले ये बहुत बड़ी परीक्षा है। बोले किस चीज की परीक्षा है? बोले श्री प्रहलाद ने मेरे को खंभे से प्रकट कर दिया। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, प्रहलाद ने बताया ये तो बताओ मेरे भगवान ने ये नहीं कहा तो बताओ, मेरे भगवान तो कणकण में ही। बोले ये खंभे में क्या है? बोले हाँ मेरे को तो दिख रहा है ये खंभे में भी मेरे प्रभु विद्यमान है। इसलिए भगवान भक्त वाक्य को सत्य करने के लिए सचमुच से वहां पर श्री नरसिंह भगवान वहां पर प्रकट हो गए। जब हिरण्यकश्यप ने मुष्टि का घात प्रहार की और खंभा फट करके श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय, जोर से बोलो बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। अभी भगवान सोच रहे हैं
भक्त तो मेरे को पत्थर से प्रकट कर दिया, अभी ये मेरी बारी है, अभी मेरा नंबर है, अभी पत्थर से हमें भक्त प्रकट करता हूँ, इसलिए मैं फेल नहीं हो जाऊं। इसलिए भगवान राम ने बड़े संकोच करते हुए जब उन्होंने पत्थर को स्पर्श करते ही, चरण स्पर्श करते ही वो पत्थर स्वयं अहल्या बन गई, बड़ी सुंदर रूप धारण करते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए उन्होंने अपना धाम में अहल्या चली गई। अभी जब श्री विश्वामित्र जी को साथ में जब अभी श्री गोस्वामी जी वहां वर्णना कर रहे हैं, बल ही नहीं बिलो कहता राधा रानी
कृष्ण रूप जो वंदना की, केवल ये एक श्लोक सुने, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण कितने सुंदर, कितने प्यारे कृष्ण हैं। इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती है। क्या ताना मारती है? बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गले कट जाते करहड़े। कहते अच्छा किया भगवान ने तुमको लाली नहीं बना करके लाला बना दिया है। अगर तू लाली बनती तो पता नहीं कितने क्षत्रिय तेरे को पाने के लिए आपस में युद्ध करते करते सब खत्म हो जाते हैं, इतने सुंदर। इसलिए कभी लोग अपने भी उपमा देते हैं, कहते आकाश में जो मेघ दिख रहा है, पहले वो मेघ ऊपर में था, नीचे था पहले, लेकिन वो मेघ ऊपर को चला गया। कहते जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। इसलिए कहते पहले मेघ नीचे था ऊपर चला गया। बोले किसलिए? बोले कृष्ण जब प्रकट हुए, कृष्ण इतने सुंदर है, श्यामम हिरण परिधिम बनमाल बरा, इतने कृष्ण सुंदर, इतने सुंदर है, अप्रभु से तड़ी तंबराय, इतने श्याम रंग, कौन सा रंग है? मधुर रंग। इसलिए कृष्ण श्याम, राधा रानी श्यामा। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर है, इनकी सुंदरता को देख करके कहते मैं क्या किया, उसने आकाश में चला गया। बोले क्यों? बोले अभी मेरे कोई पूछेगा क्यों, कृष्ण प्रकट हो गए। कभी जितने शेर पहले रोड में घूमते थे, लेकिन कृष्ण आने पर सबके सब जंगल में चले गए। बोले क्यों? बोले भगवान का जो सिंह ग्रीव, भगवान को उदाहरण दिया, भगवान का छाती कैसे शेर जैसे, कमर कैसे एकदम पतले कमर कमर शेर जैसे। पहले कहते शेर रोड में घूमते थे, जब देखा भैया कृष्ण आ गए, बोले हमें भी कुछ नहीं, सब जंगल चले गए। जितने सर्प सबके सब रोड में घूमते थे, रोड में चलते थे, लेकिन जब कृष्ण आए ना, ये सबके सब सर्प बिल में चले गए, अपना बिल में चले गए। बोले क्यों बिल में घुस गए? बोले कारण है, बोले इसलिए उदाहरण देते हैं कृष्ण का हाथ कैसे है। बोले सर्प जैसे भगवान का हाथ है, बड़े सुंदर है। सर्प लोगों ने देखा अभी कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने किया गया बिल में सबके सब चलते चल रहा। इसलिए सबके सब सबके सब बिल में, सबके सब बिल में घुस गए। कोई बोल रहे हैं अरे, इसलिए सबके सब वो बिल में, सबके सब बिल में घुस गए। इसलिए कृष्ण कितने सुंदर कृष्ण हैं। इसलिए यहाँ पर श्री जनक महाराज पहले ये ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन भगवान राम इतने सुंदर, इतने सुंदर राम, जिनके रूप देख करके अपनी आप मन से ये ब्रह्म आनंद अपनी आप मन से चली गई, अपनी आप पर वो समझ गए जो राम है ये ब्रह्म नहीं। तेरे राम कौन है? ये परम ब्रह्म, राम परम ब्रह्म समझ गए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागे नर से बताए। लगता है कि जनक महाराज कह रहे हैं, लगता है मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए। क्यों? पहले ये भगवान को निराकार निर्विशेष निर्गुण मानते थे, कहते मेरे कल्याण के लिए मानव दशरथ महाराज ने कृपा करके प्रभु राम को कहाँ भेज दिया, ये मिथिला में भेज दिया है। इसलिए ये कौन है? बोले आनंद आनंद हो के आनंद दाता। कहते ये आनंद कवि, ये आनंद देने वाले, ये आनंद कवि, ये आनंद देने वाले। ब्रह्म में आनंद है, लेकिन वो आनंद भक्ति आनंद के सामने अत्यंत तुच्छ है। इसलिए यहाँ पर जब राम लक्ष्मण को देखे श्री जनक महाराज, मन बड़े प्रसन्न बड़े खुश हो गए। फिर विश्वामित्र जी बोले ये जो दो बालक है ना क्षत्रिय है, ये दो बालक कौन है? क्षत्रिय। इसको सुन करके जनक महाराज और भी खुश हो गए। बोले क्यों? अब देखना जिसकी बेटी शादी के लायक हो जाए, अब देखना जिसकी बेटी शादी के लायक हो जाए, उसको पिता जिस लड़के को देखे ना, जिस किसी लड़के को देख लेगा वो सोचता है ये अगर मेरे दामा को सुंदर अगर किसी बच्चे को देखे, अगर ये दामाद बने तो मेरा अच्छा होगा। उसके मन में हर बच्चे को सुंदर लड़का देख लेना, उसके मन में हर बात क्या होता है, ये मेरे दामाद बने, ये हमारी जिस लड़के उसको आंखों में जिसके बेटी शादी के लायक होगी, उसका आंखों में केवल दामाद 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 दिखता है। अभी जब विश्वामित्र जी ने बताया जो दोनों बच्चे है ना क्षत्रिय है, जनक महाराज तो खुश हो गए। बोले भैया काम बन सकती है, काम बन सकती है, क्या काम बन सकती है? हो सकता है मेरी बेटी शादी के लायक हो गई। फिर उनने धनुष यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए धनुष यज्ञ कर रहे हैं
मेरे बेटी के ऊपर जब तो कहीं लड़का मिले, वर मिले, लेकिन ये दोनों को देख करके तो इतने सुंदर जो आनंद को भी आनंद देने वाले, अरे ये ब्रह्म नहीं, ये कौन है, ये परम ब्रह्म है। इनकी सुंदरता को देख देख करके श्री जनक महाराज तो निहाल रहे थे। बोले भैया कहाँ बन सकता है, फिर सोच रहे हैं भैया कैसे कहाँ बनेगा, ये तो इतना छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, अभी तो कितना उम्र तेरे 14 साल के इस उम्र के होंगे, ये तो छोटे बच्चे हैं, हैं? छोटे बच्चे, और उनने क्या बाण अनुभव किया है, ये धनुष को जो उठा देगा, धनुष कैसे है, बोले जिस धनुष को रावण जैसे व्यक्ति पराक्रमी, कहते बांसुर जैसे व्यक्ति जिसको टस से मस भी नहीं कर सकते हैं, टस से मस भी नहीं कर सकते हैं। फिर सोच रहे भैया इतने नन्हे मुन्ने बच्चे, फिर ये धनुष को उठाएंगे कैसे, फिर सोच रहे हैं कहते हमने क्या सुना, उन्होंने तारका को भी मार डाले, किसको मारे, तारका को भी मारे। फिर हमने सुना है तब श्री विश्वामित्र राजा यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को उन्होंने छका छुड़ा दी, बड़े बड़े दैत्यों को उन्होंने छका छुड़ा दिए। फिर सोच रहे भैया काम बन सकती है, इसलिए ये सोच करके भले उनको स्थान कहाँ पर दिया। कहते अगर आप देखना, अगर कोई VIP कोई गेस्ट हो ना, कोई VIP गेस्ट हो, उसको कैसे स्थान देते हैं, VIP उसको घर देनी चाहिए, उसको VIP घर देनी चाहिए। और ये विश्वामित्र के हैं, विश्वामित्र को साथ में, फिर दशरथ महाराज के दो बेटे हैं, ये तो कोई साधारण है ही नहीं, राजा के दो बेटे। बोले भैया VIP स्थान देनी चाहिए। बोले VIP स्थान कहाँ पर, कहते श्री जनकपुरी में, कहते सीता जी की जो भवन है सबसे सुंदर था सीता जी की भवन, इसलिए उन्होंने राम लक्ष्मण और श्री विश्वामित्र जी को उन्होंने VIP स्थान सीता जी की भवन को पास में स्थान दिया है। तो यहाँ कर उनको जो टीकाकार लोग कहते हैं, बोले भैया भगवान राम कहाँ रहते हैं, भगवान रहते कहाँ, बोले भक्तों का हृदय में, जहाँ भक्ति वहीं पर रहते भगवान, भक्तिस्तु भगवत है, भक्ति जहाँ पर भक्ति वहीं पर रह रही है। कहते सीता जी कौन है, सीता जी कौन है, भगवान की भक्ति देवी सीता जी, ये भक्ति देवी सीता जी है, इसलिए भगवान का निवास कहाँ है, बोले जहाँ भक्ति तो वहीं पर स्थान भगवान की वही है, इसलिए उन्होंने कहाँ पर स्थान दिया, भक्ति की निवास में ही, भक्ति स्थान में श्री राम लक्ष्मण को उन्होंने वहीं पर उन्होंने निवास दिया। जब निवास दिया, इतने में क्या हुआ, जब श्री विश्वामित्र राम लक्ष्मण आए, जनक महाराज जब उनको स्वागत की थे ना, उसी समय उनको साथ में जितने मंत्री लोग और जितने उनके नगर के लोग भी, जो अच्छे अच्छे लोग, वे लोग भी भगवान को स्वागत किया था विश्वामित्र को, उन लोगों ने दर्शन किया था राम लक्ष्मण को, प्रभु को दर्शन करते हुए इतने सुंदर राम लक्ष्मण थे ना, उन्होंने पूरा जनकपुरी में हल्ला मचा दिया। ये विश्वामित्र जी को साथ में दो बालक आए हैं, क्या सुंदर है ये दो बालक, मानो ये नयन को आनंद देने वाले ये दोनों बच्चे हैं, अद्भुत सुंदर ये दो बालक, हमने कभी इतने सुंदर बालक देखा नहीं, पूरा नगर नगर में, पूरा घर घर में ना ये पूरा हला बच गई, बड़ी दो सुंदर बालक आए। अभी पूरा जनकपुरी राम लक्ष्मण को दर्शन करने के लिए पूरा जनकपुरी उतावला हो रहा है, कब वो दो बालकों को दर्शन करेंगे, कब वो दो बालकों को हम दर्शन करेंगे। अभी जनकपुरी माता सीता जी स्थान है ना, माता जी की स्थान है, लक्ष्मी की स्थान है, भक्ति की स्थान है, वहाँ पर सबके सब भगत है, और वहाँ पर जो लड़कियाँ जन्म हुई, लड़कियाँ भी साधारण व्यक्ति है ही नहीं, पुरुष भी साधारण है ही नहीं। अभी पूरा जनकपुरी की भावना को समझते हुए अभी लक्ष्मण जी, कहते लक्ष्मण कौन है, कहते लक्ष्मण कौन है, बोले जीवाचार्य, ये कौन है, ये जीवों का आचार्य लक्ष्मण बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु कौन है, कहते आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु, आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु, इसलिए कहते जीव का आचार्य लक्ष्मण है। बोले जीव का आचार्य होने के नाते इनका काम क्या है, इनका काम है जीव को भगवान तक पहुंचाना, ये किसका काम है, ये आचार्य का काम है, आचार्य का ये काम नहीं, जीव को अपना तक सीमित रखना ये आचार्य का काम नहीं, आचार्य का काम वो है
जीव को भगवान तक पहुंचा दे। इसलिए बताए ना, निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, है ना, निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाए ना। इसलिए जब तक श्री लक्ष्मण जी की कृपा नहीं होना, तब तक जीव कभी भगवान तक पहुंच नहीं सकते। इनका काम है जीव को भगवान तक पहुंचा देना, इनका यही काम है। इसलिए इस जगत में ऐसे कुछ कुछ गुरु है ना, जैसे कि जय गुरुदेव, मंदिर में कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरु ही सब कुछ, गुरु ही सब कुछ है, हैं, गुरु ही सब कुछ है। इसलिए भगवान भगवान कुछ है ही नहीं, कहते ये सब गुरु गुरु कुछ है ही नहीं। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम ये है जीव को भगवान तक पहुंचाते। जैसे नारद जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, श्री व्यास देव, श्री वाल्मीकि, ऊपर में कृपा की कहाँ तक पहुंचा दी इनको, उन्होंने भगवान तक पहुंचा दिया है, भगवान तक पहुंचा दिया। इसलिए अभी लक्ष्मण समझ गए पूरा ये जो जनकपुरी प्रभु का दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए इतने में अभी इनकी भावना को भगवान राम समझ गए। इनका इच्छा है क्या, राम लक्ष्मण जाए और सबके सब प्रभु को दर्शन करे। लेकिन अभी लक्ष्मण संकोच वशतः लक्ष्मण बोल नहीं पा रहे। अभी लक्ष्मण की भावना को कौन समझ गए? राम समझ गए। इसलिए कहते ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, कहते गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। कहते ये ब्रह्मांड भ्रमण तो करते करते कौन कौन माने, जिसको पूर्व पूर्व जन्म की, जिनकी भक्ति उन्मुख, जिनकी सुकृति है, भक्ति उन्मुख जिनकी सुकृति है, क्या होता है? बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते गुरु और कृष्ण प्रसाद में ये भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। कहते भैया जीव तो गुरु जी से ही मंत्र प्राप्त करते हैं, पर ये कृष्ण का नाम क्यों लिया, भगवान का नाम क्यों लिया? बोले कारण है जीव कैसे भगवत तक, जीव कैसे सदगुरु तक पहुंचेगा, ये काम कौन करता है? बोले ये भगवान स्वयं, इसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। अभी राम अभी इनकी भावना समझ गए हैं, समझ करके अभी लक्ष्मण का हो करके भगवान राम अभी श्री विश्वामित्र जी को बोले, हाँ क्या बोले? बोले नाथ लखन पूरा देख न चाहई, नाथ लखन पूरा देख न चाहई, प्रभु संकोच डर प्रकट ना कहई, प्रभु संकोच डर प्रकट ना कहई, नाथ लखन पूरा देख न चाहई। तब श्री रामचंद्र कह रहे विश्वामित्र जो प्रभु लक्ष्मण का इच्छा है ये थोड़ी सी जनकपुरी को दर्शन करे। अभी जब ये बताए लेकिन ये संकोचक मारी ये बता नहीं पा रहे। अभी श्री विश्वामित्र सोच रहे हैं भैया, कहते हैं राम लक्ष्मणपुर को दर्शन करना चाहते, संकोच बोल नहीं पाता है, हैं बोल नहीं पाता है। तब राम ने कहा हम लक्ष्मण को ले जाए, लक्ष्मण को लेकर थोड़ा जनकपुरी दर्शन करके आ जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं भैया देखो, जैसे कोई पुरी आए, कोई पुरी आए, यहाँ पर कोई गाइड चाहिए ना, कहाँ पर तोटा गोपीनाथ, कहाँ पर गंभीरा, कहाँ पर सिद्ध बकुल, कहाँ हरिदास ठाकुर का मंदिर, कहाँ पर श्री गुंडीचा मंदिर, कहाँ जगन्नाथ मंदिर। अब इसको कौन दर्शन कराएगा? जो दर्शन किया हुआ होगा वही तो दर्शन कराएगा ना, दर्शन किए बगैर थोड़ी कोई दर्शन कराने के लिए ले जाएगा, कोई गाइड चाहिए ना। अभी विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, राम क्या कह रहे हैं, हम थोड़ा लक्ष्मण को दर्शन करा के ले आए, अरे जो देखा होगा जनकपुर तो वही दिखाएगा ना। तब विश्वामित्र समझ गए ये दर्शन करना नहीं चाह रहे हैं, दर्शन कराना चाह रहे और नहीं दर्शन हाँ करने नहीं चाह रहे, दर्शन देना चाह रहे हैं, सबको दर्शन देना चाह रहे हैं। तो विश्वामित्र जी बोले कोई बात नहीं, जाओ जनकपुरी को दर्शन नहीं करना, जनकपुरी को दर्शन दे करके आओ। जब श्री राम लक्ष्मण श्री जनकपुरी में प्रवेश किया, उस समय गोस्वामी जी कह रहे हैं बोले देखा ना नगर भूप सोत आए, देखा ना नगर भूप सोत आए,
चार पूर बासी ना पाए धाए धाम धाम सब त्यागे मना हो रंक निधि लुटन लागे लिया। जब पूरा पूर्ववासियों को जो एक बार देख लिया, जो एक बार केवल उन्होंने देख लिया किसको, राम लक्ष्मण को, पूरा उन्होंने पूरा जनकपुरी में हल्ला मचा दिया। बोले सुने हो, और जो दो बालक है ना, ये सब के सब नगर दर्शन हैं। बोले सब के सब चलो प्रभु को दर्शन करने चलेंगे, राम लक्ष्मण को। बोले धाए धाम काम समझ रजनी रवि, इसलिए जहाँ रात है ना रंधकार, वहां इसलिए जहाँ काम है वहां पर राम नहीं, और जहां पर राम वहां पर। अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहते क्या करनी चाहिए, इसलिए कहते ना कृष्ण सर्वधर्मान परित्यज माम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पाप बक्षयसि माम शुचो। इसलिए कहते भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जगत का जितने धर्म कर्म सब कुछ छोड़ कर चरण में एकांतिक रूप में शरण लेना पड़ेगा, तब तो जाकर प्रभु मिलेंगे। इसलिए कहते हैं धाए धाम काम सब त्याग मन हो रंग निधि लुटन लागी। जैसे अगर कहीं धन दौलत लूट रहा है ना, जैसे कंगाल लोग भागते हैं वहां पर, जैसे कंगाल लोग भागते हैं वहां पर कुछ मिलने वाले, ऐसे पूरा कौन चले, जितने पुरुष लोग वहां पर चले, लेकिन पुरुष लोग तो चले, लेकिन जो माताएं थी, जितने सखियां थी, लड़कियां थी, वो तो नहीं चल सके। फिर उन लोगों ने क्या की, कोई झरख से, कोई छत के ऊपर से, सबके सब प्रभु को झांक झांक करके देख रहे थे, प्रभु को झांक झांक करके देख रहे थे। तब यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति दो तरह से भगवत प्राप्ति होता है। कहते एक तरह की क्या, बोले अपना चेष्टा करनी चाहिए। जैसे कहते ना वहां पर एक बिल्ली मार्जार न्याय और एक मरकट न्याय, एक मार्जार न्याय और एक मरकट न्याय है। इसलिए मार्जार क्या करता है, मरकट क्या करता है, अपना माँ को इसे पकड़ करके रखता है अपना। कहती ये बिल्ली क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है, उसका माँ जहाँ जाना लाना वहीं पर उसकी माँ ले जाती है। इसलिए यहाँ पर तो जो पुरुष लोग तो भागते भागते गए, लेकिन जो स्त्रियां माताएं थी ना, बोले भैया हम तो घर से भाग ही नहीं सकते हैं, जब तक ठाकुर का कृपा नहीं होगा तब तक हमें ठाकुर का दर्शन नहीं मिलेगा। इतने में जितने सखियां सबके सब कोई झरग से और कोई छत से दर्शन कर रहे थे, जो झरग से दर्शन कर रहे थे उनको तो दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत से दर्शन कर रहे थे ना उनका दर्शन नहीं हो रहा था। बोले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भगवान राम है इनका स्वभाव है, ये कभी भी सर उठाकर कभी किसको कभी नहीं देखते, कभी को सर उठाकर कभी किसको नहीं देखते, चलते समय सर ऊंचा करके चलते थे। क्यों, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी उन्होंने पराई स्त्रियों को अपना नजर उठाकर कभी उन्होंने कभी देखा ही नहीं। अभी जो छत के ऊपर में खड़ी हुई थी, लेकिन उनका तो प्रभु का दर्शन ही नहीं हो पा रहा था। इतने में वो प्रभु का दर्शन करने के लिए उन्होंने क्या क्या खांसते है ना, खांसे, अगर खांसेंगे तो सोचे फिर प्रभु तरह ऊपर सर करेंगे तो प्रभु का दर्शन हो जाएगा, लेकिन भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो ऊपर देखने वाले है ही नहीं, वो सीधा नीचे करके जा रहे थे। लेकिन लक्ष्मण क्या कर रहे थे, पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहे थे। लक्ष्मण कौन है, बोले गुरु है। बोले गुरु का काम क्या, बोले गुरु का काम है ये जीव को साथ में भगवान को मिलन कराना, ये गुरु जी का काम है, है काम है। इसलिए वैष्णव आवेदन है कृष्ण दयामय एहन पामरे प्रति अवेन सुदय है। इसलिए जब तक वैष्णव लोग है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, क्या नरोत्तम दास ठाकुर कहते तो बोलो, आमा लागी कृष्ण आवे दिवेन प्रचुर, वैष्णवे निवेदन कृष्ण दयामय एहन पामरे प्रति अविनाशदाय वैष्णव।
कृष्णा बेर आबे दने कृष्ण दया माया नेना पमर प्रति आबे ना सदाया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जब हमारे होकर के कोई वैष्णव जब उन्होंने श्री ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी आप ये जीव को ऊपर में कृपा करो, फिर क्या करते, फिर ठाकुर जी जीव को ऊपर में ठाकुर जी की कृपा होती है। इसलिए यहाँ लक्ष्मण जी है गुरु तत्व है, इतने में लक्ष्मण जी अभी प्रभु राम से प्रार्थना की, बोले प्रभु देखो आपका जो भक्त लोग है ना छत के ऊपर खड़े हुए आपको दर्शन करना चाहते, थोड़ी सी दर्शन दे दो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी खबरदार इधर उधर मत देखना, सीधा नीचे करके चलो सर को, ये मायापुरी है। लेकिन प्रभु सर ऊंचा ही नहीं कर रहे थे। इतने में फिर जब जनकपुरी के जितने सब गोपियां थी हैं, जब सखियां थी फिर घासे जो प्रभु थोड़ा ऊपर सर करो थोड़ा हम दर्शन करेंगे, हम तो पुरुष है ही नहीं जो मेन रोड में जाकर दर्शन कर सके हैं, जब तक आपकी कृपा नहीं होगा। फिर लक्ष्मण प्रार्थना की, प्रभु थोड़ा दर्शन दे दो। अभी गुरुजी बोलने पर ठाकुर को तो गुरुजी को प्रार्थना सुनना ही पड़ेगा लक्ष्मण का, तब प्रभु ने थोड़ा ऊपर में जो सर ऐसे किया है ना, प्रभु का रूप देख करके जितने सबके सब मिथिलापुरी के सब सखियां सबके सब बेहोश हो, इतने प्रभु सुंदर थे, जब होश आया ना सबके सब राम को पीछे पड़ गए, बोले प्रभु हमसे ब्याह कर लो, हमसे शादी कर लो। राम ने कहा लक्ष्मण तेरे को पहले मैं बता रहा था, इधर उधर देखना नहीं, सर नीचा करके देखो, तुम सुनी नहीं ना, देखो तुम शादी कर लो, तुम भी इनसे शादी कर लो। इतने में राम बोले देखो इसी अवतार में मैं सीता सिवाय और किसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग द्वापर युग में गोपी बन कर आयो, तुम लोगों का सारी इच्छा को मैं तभी पूर्ण करूंगा। सबके सब उन्होंने वृंदावन में गोपी बन करके आए, प्रभु इनकी सब इच्छाओं को ठाकुर जी ने पूरी की है। अभी युवती भवन सरज लखी नीरख राम रूपन, इसलिए कहते यहाँ पर इस समय जब भगवान राम फिर जब पूरा मिथिलापुरी को दर्शन किया, मिथिलापुरी को दर्शन करके सात दरबार जब उन्होंने वापस आए, मिथिलापुरियों का इच्छाओं को पूरी करके वापस आए, जब वापस आए फिर उन्होंने रात को विश्राम किए, जब विश्राम किए तब राम लक्ष्मण उन्होंने श्री विश्वामित्र जी की चरण को सेवा की, उनके चरणों की सेवा की। जब चरण सेवा की यहाँ पर कह रहे चरण सेवा कैसे किया, बोले सब ही सब प्रेम को साथ दब, इसलिए कहते सब है सब प्रेम सरज सचु पाई चापत चरण लखन पुर लाई। जिस समय श्री विश्वामित्र जी की चरण की सेवा कर रहे थे, बोले कैसे कैसे सेवा कर रहे थे, बोले प्रेम को साथ में, फिर कैसे, बोले सब है भय और प्रेम को साथ में सेवा कर रहे थे, बोले ये प्रेम को साथ में फिर भय को साथ में करके। कारण क्या, बोले कारण है जैसे कोई नए व्यक्ति हो, नए व्यक्ति को जो हम चरण दबाते हैं हमें पता नहीं ना भैया कितने चरण दबानी चाहिए, कितने चरण को दबानी चाहिए, जितने दबानी चाहिए, अगर ज्यादा दबा दिया तो क्या होगा, फिर उनको कष्ट पहुंचेगा, और जितने दबानी चाहिए अगर कम दबाया तो उनको दबाना सही नहीं होगा। इसलिए हमारे सिद्धार्थ महाराज जब पहले आए हमारे भक्ति और जो नारायणी गोस्वामी हमारे सेवा करने के लिए गए, लेकिन महाराज की जो सेवा ना ऐसे धीरे धीरे दबाने से नहीं है, उनका चरण दबाना ठीक से बढ़िया से जैसे लगे जैसे शरीर का पीड़ा जाए, वो तो जैसे ऐसे ऐसे ना सर। तो महाराज जी ने बोले बोले फिर गुरु जी ने बोले बोले जोर से हो रहा है थोड़ा धीरे धीरे करो धीरे धीरे करो, इसके इसके बाद तो बोले नहीं ऐसे थोड़ी दबा रहे हो, ठीक से दबानी चाहिए ना, इसलिए महाराज जी बार बोल रहे। इसलिए अब कहते सब है मतलब है जितने दबानी चाहिए उतना ठीक ठीक से दबानी चाहिए जैसे उनको आराम मिले और क्लेश जाए, इसलिए सब है। फिर दूसरा है कहते सब प्रेम को, कहते प्रेम को साथ में फिर क्यों दबा रहे थे, बोले कारण है ये विश्वामित्र जी कौन है, भगवान राम की गुरु।
गुरु है, भगवान राम की गुरु है, ये बहुत बड़े एक भगवान की भक्त है। क्योंकि इसलिए जब कोई बहुत बड़ी व्यक्ति हो ना, साधारण कोई व्यक्ति हो है, देखना साधारण व्यक्ति हो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई बड़े व्यक्ति हो है, जब सेवा हमें मिलता है, हम क्या करते हैं, कितने खुश होता है, हम कितने सौभाग्यवान हैं, हैं आज इतने बड़े महापुरुष का सेवा मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान राम सोच रहे हैं आज जगत को शिक्षा दे रहे हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। बोले क्यों? बोले गुरु जी की चरण की हम सेवा कर रहे हैं और इतने बड़े संत श्री विश्वामित्र जैसे संतों की चरण की हम सेवा कर रहे हैं। इसलिए सेवा करते करते इतने में क्या हुआ, कभी कभी लक्ष्मण क्या करते थे, जैसे चरण की सेवा करते 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 उनके चरण में ही, उनके चरणों को अपना हृदय में रख करके चरण में सो गए, चरण में सो गए, चरण की सेवा करते करते हैं, कभी कभी सो जाते थे। तो यहाँ पर कहते हैं गुरु ते पहि ले ही जा गत पति, गुरु ते पहि ले ही जा गत पति। इसलिए जागे राम सुजान थी, यहाँ पर कह रहे हैं अभी गुरु जी की सेवा करते हुए जा करके सो गए। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे। बोले क्या शिक्षा दे रहे? गुरु जी का चरण की सेवा करते हुए तो सोए, लेकिन गुरु जी उठने से पहले उठ गए, गुरु जी उठने से पहले उठ गए। तब यहाँ पर श्री सप्तम स्कंध में वहां पर लास्ट में बता रहे हैं कि ये शिष्य का क्या कर्तव्य है, शिष्यों का क्या कर्तव्य है। बोले कर्तव्य वह है गुरु जी को बाद में सोए, गुरु जी की सेवा करते हुए, गुरु जी की सेवा करते हुए गुरु जी को बाद में सोए। और उठे कब? बोले गुरु जी उठने से पहले उठे, उठकर क्या करे, गुरु जी के लिए दांतन, गुरु जी के लिए लोटे में पानी रखे, गुरु जी के लिए लोटे में पानी रखे। कहते ये शिष्यों का धर्म है, ये ऐसे नहीं कुंभकर्ण जैसे सो रहे हैं, कुंभकर्ण जैसे सो रहे हैं, उठने का कोई बात नहीं है, कुंभकर्ण जैसे सो रहे, ये नियम नहीं। इसलिए क्या, जैसे जैसे हम मंगल आरती क्या करते हैं, मंगल आरती में ये करते हैं ना, मंगल आरती में क्या नियम है, ठाकुर जी कौन है, हमारे प्रभु है, इसलिए भगवान उठने से पहले हमें उठ करके नहा धो करके हमें तिलक लगा करके क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की मंगल आरती में हमें आनी चाहिए। कहाँ आनी चाहिए, जोर से बोलो, मंगल आरती में। इसलिए हमारे भक्तिवेदा नारायण गोस्वामी महाराज जब मथुरा में रहते थे ना, गुरुदेव जब मंगलारती भक्ति होती थी, मंगल आरती को पीछे गुरुदेव खड़े होते थे और ऐसे ऐसे देखते थे कौन आया और कौन नहीं आया। अगर कोई नहीं आया हो ना, गुरु जी मंगल आरती में जाकर उसके ऊपर ठंडी का समय में भी उसके ऊपर पानी डालते थे, उसके ऊपर में पानी डाल देते थे गुरुदेव, है गुरुदेव। इसलिए कहते जो इसका नाम मंगल आरती है, मंगल आरती मतलब क्या है, जो आरती दर्शन करने से हाँ कहते ना शुभ दृष्टि कर प्रभु जगत र प्रति जागुक हृदय मर सुमंगल आरती है। कहते जब तो कोई मंगल आरती दर्शन नहीं करे ना, उसका जीवन में कभी मंगल नहीं होगा, उसका जीवन में कभी मंगल नहीं होगा, इसलिए मंगल आरती दर्शन करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, कहते मैंने ये गौड़ीय मठ नहीं, प्रभुपाद बोलते थे गौड़ीय मठ नहीं, मैंने राधा रानी का निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ उतार दिया, राधा रानी की निकुंज मंदिर में। देखो निकुंज में जहाँ हो रहे हैं क्या हो रही है, मंजरी सखियां भगवान को सवेरे नहा धोकर तिलक लगा कर क्या करते हैं, मंजरी सखियां वहां पर ठाकुर जी का आरती करते हैं। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जो आरती लिखे हैं ना, वो सब गोलोक वृंदावन का कृष्ण भावना मृत से, उन्होंने गोविंद लीला मृत से उसको लेकर लिखे, कैसे मंजरी सखियां कैसे ठाकुर जी का आरती उतार रहे हैं, ठाकुर जी को कैसे जगा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव बोलते थे भैया मंगल आरती में नहीं आओगे तो मंगल तुम्हारी होने वाला नहीं, क्योंकि गुरुदेव कहते ये ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे जैसे तुम्हें कोई नौकरी मिलेगा, तुम्हें कोई नौकरी मिलेगा, नौकरी कब मिलेगा बताओ, जब ट्रेनिंग हाँ तुम्हारी लिखाई पढ़ाई सही हो और जब ट्रेनिंग तुम सही करोगे तब तो वहाँ नौकरी मिलेगा, अगर ट्रेनिंग में तुम फेल हो फिर तुमको नौकरी कहाँ मिलेगी। इसलिए कहते हैं गौड़ीय मठ नहीं, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, अगर यहाँ पर ट्रेनिंग सही सही करोगे फिर तो गोलोक वृंदावन में भी राधा रानी तुम्हें नौकरी दे दी, अगर यहीं पर ट्रेनिंग में फेल फिर वहां पर नौकरी बहुत कहां मिले, वहां भी फेल, वहां भी तुम फेल है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं गुरु जी को
सोने के बाद सो रहे हैं प्रभु, अब गुरु जी उठने के बाद हैं ये उठ रहे हैं। जैसे यहाँ पर बताया जैसे मुर्गा है ना, अब देखना ठीक जो मुर्गा है, देखना जहाँ पर पेड़ पौधा वहां पर कभी देखना, ठीक मुर्गा सवेरे होते ही ब्रह्म मुहूर्त होते ही जितने सब मुर्गा कुकु कु अपने आप करना शुरू कर देता है, जितने चिड़िया चेचा चेचा अपने आप करना, ये प्रकृति अपने आप जग जाती है, ये प्रकृति अपने आप जग जाती है, मतलब सिखा देती है जल्दी उठो जल्दी उठ जाओ। और ये चिड़िया कब सो जाती है, अब देखना ठीक शाम होते ही चिड़िया अपना अपना घोंसला में आ जाते हैं, अपने आप घोंसला में आकर के टाइम से सोते हैं और टाइम से सवेरे सवेरे उठ जाते हैं। इसलिए ये प्रकृति उठ जाती है, सिखा देती है तुम लोग भी उठो। इसलिए हमारे गौड़ीय मठ में प्रभुपाद ने जो जो नियम रखा है वो गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज मंदिर में जो जो कुछ हो रहा है वही, ऐसे नहीं रात एक दो बजे तक टीवी देखे वीडियो देखे और उल्टा पुलटा गंदी गंदी चीज देखे और सो जाए और उठे ना 10 बजे मुंह धो धा करके कुछ खा पी कर नौकरी चलाओ, ये नियम नहीं। इसलिए टाइम से उठो और टाइम से सो जाओ और टाइम से उठ कर क्या करो, सवेरे भगवान का कीर्तन नाम भजन हरि कथा है। देखो मंदिर में जैसे कम से चार बजे उठना पड़ता है, तब तो 4:30 बजे पौने 5 बजे आते हैं कीर्तन में। उसके बाद देखो कितने मंदिर में मतलब कितने प्रभुपाद ने क्या हमने सिस्टम रखा, देखो 4 बजे से लेकर के यहाँ पर आए कीर्तन आरती हुई तुलसी परिक्रमा की, उसके बाद में गए अपना हरिनाम है जो करते हरिनाम किया, अब उसके बाद में फिर कीर्तन में बैठे, उसके बाद में कथा सुने, फिर तुम लोग श्लोक याद करते हो, करते करते कितना बजे समाप्त होता है करीब 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 घंटा तक देखना मन एकदम भजन में डूबा रहता है, भगवत चिंतन छोड़ करके मन में और कोई चीज नहीं आती है, बल इतनी बड़ी साधन है, इतने बड़े साधन है, इतनी बड़ी साधन। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये गौड़ीय मठ नहीं, ये राधा रानी की निकुंज महल मैंने बनाया, राधा रानी की निकुंज महल। इसलिए यहाँ पर श्री कहते भगवान उठने से पहले हैं, कहते गुरु जी उठने से पहले ठाकुर जी उठ गए, उठ करके गुरु जी की सेवा के लिए सब कुछ उन्होंने दातन पानी सब कुछ गुरु जी की सेवा के लिए सब कुछ रख लिए। और गुरु जी सवेरे उठ करके अपना नहा धो करके गुरुदेव जब भी पुष्प को द्वारा ठाकुर को सेवा करने जाएंगे, इतने में उन्होंने बुलाया किसको, राम लक्ष्मण को, बोले बच्चों आ जाओ जाओ कुछ पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प चयन करके लाओ, मैं ठाकुर को पूजा करना चाहता हूँ। इतने में राम लक्ष्मण गुरु जी को आदेश को पा करके वो गए पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए। लेकिन जब पुष्प चयन करने के लिए गए ना, यहाँ पर वर्णना करते हैं वहां पर एक भी पौधा को उन्होंने सूखा नहीं देखा, सारे पौधा हरे भरे, एक लता को उन्होंने सूखा नहीं देखा, देखा पूरा वहां पर वर्णना करते हैं इतने सुंदर वो बगीचा थी, ब्रह्मा भी जिसको देख करके समझा जाएगा, ब्रह्मा भी देख करके जिसको संकोचा जाएगा इतने सुंदर बाटिका। बोले क्यों, कारण क्या, बोले वो जो बाटिका है किसकी बाटिका है, कहती है माँ सीता की बाटिका है, माता सीता की बाटिका है। इसलिए जब माँ सीता स्वयं जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी, अरे जिस बगीचा माँ लक्ष्मी की वहां पर कोई पता सूख सकता है, कोई लता सूख सकता है, कोई पेड़ थोड़े सूख सकते हैं, जिसका मन सूखा है ना उसका लता पेड़ पौधा उसको भी सूखा है वो भी सूख जाती है, सबके सब सूख जाती है जिसका, और जिसका मन हरा भरा हो ना भक्ति से उसका बगीचा भी हरी भरी उसकी हरी भरी रहेगी। इसलिए जब उन्होंने प्रवेश उन्होंने वहां पर करने जा रहे थे, लेकिन वहां पर कौन थे माली, बगीचा को रक्षा करने वाले माली थे, जब प्रवेश कर रहे थे इतने माली ने कहा अब कहाँ जा रहे हो, बोले पुष्प चयन करने के लिए, नहीं नहीं जा सकते हो, हम स्वयं पुष्प चयन करके आपको दे दें, इसलिए आप अंदर में जा नहीं सकते हो अंदर में। तो उन्होंने बताया भैया हम अंदर में क्यों नहीं जा सकते हैं, कारण क्या है, हैं कहते कारण क्या है, वो कह रहे हैं भैया हमने क्या सुना है, आप आते समय एक पत्थर में चरण लग गया तो वो पत्थर भी नारी हो गई और फिर आकाश में उड़ गई, हमने सुना
ये बात सही है। बोले हाँ, बोले जब एक पत्थर में आप प्यार रखते ही वो पत्थर भी नारी बनकर के उड़ गई, अगर आपने ये पेड़ में हाथ लगाया अगर ये पेड़ उड़ गया तो फिर क्या होगा है? ये फिर क्या होगा, हमारा तो बिजनेस धंधा ही खत्म हो जाएगी है। इसलिए भैया हम उसको आपका अंदर में घुसने नहीं देंगे, हमारा पेड़ उड़ जाएगी सबके सब। तब उन्होंने सब लक्ष्मण कहते हमें ज्ञान दे देते हैं आपका ये पेड़ उड़ेगा नहीं, हम ज्ञान दे देते हैं। बोले उड़ेगा तो नहीं लेकिन और एक समस्या। बोले क्यों? इसलिए वो गोस्वामी जी कहते हैं बोले नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज दारुणम। भगवान की जो वर्णना करते हैं कहते ना नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। भगवान का स्वरूप को जो वर्णना किया, किस रूप में वर्णना करते? भगवान के मुख कमल है, उनकी चरण कमल है, उनकी नाभि कमल है, उनकी मुख कमल है, नेत्र कमल, कमल ही कमल है। कहते अगर आप वाटिका में जाएंगे ना, सारे के सारे भौरा क्या करेगा, सबके सब आकर के आपको मुंह के ऊपर मडराने लग जाएंगे, सबके सब मडराने लग जाएंगे आपको मुंह के ऊपर में, फिर हमारे लिए आफत आ जाएगा, विपत्ति आ जाएगी। तब लक्ष्मण कहते कोई गारंटी हम देते, हम स्प्रे ला कर स्प्रे कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, कोई भौरा नहीं आएगा, कोई भौरा नहीं मडराएगा। तब वहां के जो वाटिका के रखे हुए लोग थे बोले देखो आपको तो जाने देंगे लेकिन ये काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले देखो ये जानक की वाटिका है इसलिए आपको श्री जानक की माता की जयकार देना पड़ेगा तभी घुसने देंगे। इतने में लक्ष्मण ने कहा भैया हम जानक का जय क्यों, हम तो सियावर रामचंद्र की जय हैं, हम तो श्री भगवान राम का जय देंगे हैं, हैं भगवान राम की हैं। बोले राम लाला की जय, कहते हम तो राम की जय देंगे। बोले देख राम का लाला की जय दो तुम अयोध्या में, तो लेकिन ये तो जनकपुरी, ये तो वाटिका जनक माता है, जानक की वाटिका, यहाँ पर तो श्री माता जानक की जय देना पड़ेगा। इतने में लक्ष्मण बोल रहे थे हम तो राम का जय देंगे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण इतने पहले तो घुसने नहीं दे रहे थे, किसी तरह से राजी हुए घुसने देने का, जानक का जय दे दो ना, उसमें क्या हो गया, हमारा हानि क्या, कम से कम गुरु जी की सेवा के लिए ठाकुर की सेवा के लिए पुष्प तो मिल जाएगा, बोल दो। बोले जय श्री जानकी माता की, बोले सीता मैया की, जोर से बोलो, बोले श्री जानकी देवी की। जब उन्हें जयकार दिए बोले प्रभु आपको कभी हम अंदर में जाने के लिए मना कर सकते हैं प्रभु, इसलिए हम आपसे थोड़ी समय बात किया क्योंकि आपको दर्शन करना चाहते थे, इसी बहाना से कम आपका दर्शन तो मिल जाएगा, इसी बहाना से हम थोड़ी सी बात मनोरंजन कर रहे थे हैं, लेकिन केवल आपको दर्शन करने के लिए प्रभु आपको कौन रोक सकते हैं, आप कृपा करके अंदर में जाओ। लेकिन जब अंदर में गए ना, इतने में वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर उदाहरण देकर समझा रहे, लेकिन जब उन्होंने अंदर में गए कहते मैया सीता की प्रकट कहाँ पर, कहाँ से हुई, कहाँ से मैया सीता प्रकट हुई, पृथ्वी से हुई, इसलिए पृथ्वी से प्रकट हुई, इसलिए भगवान ने राम का पृथ्वी क्या लगती है, सांस। लेकिन वहां जो वृक्ष है वो कौन है, कहते ये पृथ्वी की है माँ सीता हो गई बेटी, और ये पृथ्वी का जो पेड़ ये हो गया उनकी बेटा, माँ हो गई बेटी और इनके पृथ्वी का जो पेड़ हो गया बेटा, बेटा होगा तो जब राम को साथ में सीता की शादी हो जाएगी, सीता हो गई पत्नी, उनके भैया क्या लगते हैं, साला। कहते यहाँ का जितने वृक्ष है सबके सब रामचंद्र की साला है, अगर उनको दामाद अगर घर में आए जगत में साला कभी बोल सकते हैं, दामाद को भैया आप सेवा करो कोई काम करो बोल सकते हैं, दामाद को तो बड़े आदर देते हैं, भगवान जैसे आदर देते हैं दामाद को। इतने में जो वृक्ष लोगों ने जब देखा भगवान है प्रवेश किया, कहाँ पर प्रवेश किया, वाटिका में प्रवेश की, वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं भगवान पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प स्वयं प्रभु के हाथों में समर्पित हो रहे थे हैं, समर्पित तो पुष्प हो रहे थे, लेकिन कौन सा पुष्प समर्पित तो हो रहे थे, वह प्रभु तोड़ रहे थे, बोले खिले हुए फूलों को, खिले हुए फूलों को प्रभु चयन कर रहे थे, लेकिन जितने अधखिले कलियां थी ना वो रोना शुरू कर दी हैं, वो रोना शुरू कर दी। इतने में पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, लक्ष्मण बोले क्यों रो रहे हो, बोले रोएंगे नहीं क्या हंसेंगे, अगर आज अगर हम भी खिले हुए होते तो प्रभु हमें कृपा करके स्वीकार करते, लेकिन आज हम अधखिले कली हैं, आज तक हम प्रभु की सेवा में
नहीं लग पा रही थी। बोले मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं तुमको सेवा में लगाऊंगा। इतने में लक्ष्मण ने क्या की, जितने अधखिले कलियों को उनने तोड़ना प्रारंभ किया। प्रारंभ करके बड़ी सुंदर गुच्छा बनाए। गुच्छा बना करके बोले प्रभु हाँ जी मेरे मन में इच्छा हो रही है आपको ये निकुंज मंदिर में बैठा करके अपना हाथों से सेवा करने की इच्छा हो रही है। भगवान राम बोले कोई बात नहीं स्वीकार कर। तो उन्होंने उसी वाटिका में बैठा करके उन्होंने अपना हाथों से जो अधखिले कलियां थी बड़ी सुंदर गुच्छा बनाई। गुच्छा बना करके प्रभु को चोटी को उन्होंने श्रृंगार किया। तो वहां वर्णना आती है मोर पंख भी लगाए, राम को मोर पंख भी लगाए। इसलिए यहाँ पर सिखा क्या है, बोले सिखा ये है अभी जो खिले हुए फूल कहाँ पर, बोले प्रभु के हाथों में। बोले अधखिले कलियां कहाँ पर, बोले प्रभु को चोटी में। बोले इसका तात्पर्य क्या, बोले तात्पर्य है अगर भले ही तुम खिले हुए क्यों नहीं हो, अगर गुरु जी की शरण में अगर नहीं जाओगे ना, अरे भैया जहाँ के तहाँ रह जाओगे, लेकिन भले ही अधखिले कली क्यों नहीं हो, भले ही तुम्हारे अंदर में कोई गुण नहीं है, लेकिन अगर गुरु जी की शरण में अगर चले जाओगे तो गुरु जी क्या करेंगे, तुमको भगवान की सेवा में लगा देंगे। खिले हुए फूल तो हाथों में और अधखिले कली प्रभु की चोटी में, सेवा में है, सेवा में। इसलिए कहते भगवान क्या कर सकते हैं, बोले बच्छड़ को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को बच्छड़ कौन बना सकते हैं, भगवान बना सकते हैं, ठाकुर ही बना सकते हैं। इसलिए बड़े सुंदर उनको श्रृंगार की। जब श्रृंगार की इतने में जब प्रभु जी फूल चयन कर रहे थे ना, ठीक उसी समय में कहते जो मैया है, कहते मैया सीता जी उसी समय में वो गौरी पूजा करने के लिए आई थी है? गौरी पूजा करने के लिए आई थी। जब गौरी पूजा करने के लिए आई तो उसी समय में कोई एक सखी थी, वो सखी ने है? वो सखी ने दौड़ते हुए गई है? पहले दौड़ते हुए बगीचा को देखने के लिए गई तो हठात उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा। राम लक्ष्मण को देखते ही क्या सुंदर, तो बालक क्या सुंदर थे, जिसको देख करके बाबरी बन गई, पागली भी हो गई। और वो भागते भागते आए और हाँपते हाँपते हैं, हाँ प्यार लड़खड़ा रही है, हाँपते हाँपते भागते भागते आई, आकर के मैया सीता को कह रही है। बोले क्या कह रही है, बोले देखो नो बागो को मारा दोइया आए, देखो न बागा को मारा दोइया आए, पाया किशोर सब भाती सुहाए, पाया किशोर सब भाती सुहाए, श्याम गौर किमिकाओ ना पथारी, श्याम गौर किमिकाओ ना पथारी, देख नु कुमार दोइया, देख न कुमार दोइया। यहाँ पर कह रहे हैं वो हफ्ते हफ्ते आई भैया सीता, बोले बात क्या, तो हाँप रहे क्यों, तुम्हारा प्यार लड़खड़ा क्यों रह रहा है। बोले क्या बताओ, बोले बताओ ना, बोले क्या बताओ, बोले बताओ ना क्या, तुमने देखा क्या, इतने आनंद के मारे तुम हाँप रहे, इतना प्रसन्न क्यों। बोले देखा ना बाघ कुमार दुनिया आई, मैंने देखा दो अपूर्व सुंदर बालक है, कुमार है, एकदम किशोर वयस है, बड़े सुंदर भय किशोर सब भाति स्वाय, हर तरह से सुंदर, सभी सुंदर हैं, एक श्याम रंग के और एक गौर रंग के हैं, क्या बताऊं। यह बड़े सुंदर उदाहरण दिया। बोले गीरा आ नयन नयन बीनो बाणी, यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं जो बाणी को द्वारा जो वर्णना करेंगे हैं, देखा किसमें, बोले आंखों से देखा, देखा हमने आंखों से, लेकिन वर्णना किससे करेंगे, बोले बाणी से है,
पानी से वर्णन ना करेंगे, देखा तो नयन में, देखा तो नयन इसमें, लेकिन पानी से वर्णन न करेंगे। लेकिन भैया जिसकी है नयन, अगर नयन में अगर पानी होता तो नयन वर्णन ना करता है ना, लेकिन नयन तो केवल देख ही सकता, उसमें तो बोलने का सीमत है ही नहीं, आंख तो केवल देख ही सकता, लेकिन उसमें तो बोलने का ताकत है ही नहीं उसकी, इसलिए नयन बीन वाणी, आंखों में कोई वाणी है नहीं, हम ये पानी को द्वारा हम वर्णना नहीं करते। आंखों में अगर हम पानी होता तो वो भी वर्णना कर सकता था। इतने सुंदर दो बालक है, अभी इसको देख करके सुन करके अभी मैया सीता जब वहां पर पुष्प चयन करने के लिए आई थी, उस समय उन्होंने श्री सीता माता जी को दर्शन किया और सीता जी प्रभु राम को दर्शन किया। दोनों को दर्शन करते हुए सीता समझ गई ये कौन है, मेरे प्राण प्रियतम है, और राम समझ गए ये मेरी लादिनी शक्ति, ये मेरी स्वरूप परा शक्ति ये है। दोनों को दर्शन किया। भगवान राम जीवन में कभी भी पराई स्त्रियों को कभी नहीं देखा, जीवन में उन्होंने पहला बार सीता को, सीता कभी पराई पुरुष को कभी नहीं देखा, सीता पहला बार उन्होंने राम को देखा। जब राम को देखा दोनों को पहचान गए, पहचान करके राम जब घर में आए ना, राम कह रहे बोले लक्ष्मण कहते रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरो वचन न जाए। हम रघुवंश में, रघुवंश के व्यक्ति कभी भी अपना पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्रियों को प्रभु कभी बुरा नजर देते नहीं, कभी हमने जिंदगी में कभी हमने किसी स्त्री को देखा नहीं और किसी स्त्री को देखकर मन चंचल नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने सीता को दर्शन किया है ना, जैसे पानी में कंकड़ गिरा हो, जैसे पानी में उथल पुथल मच जाती, लहरी आती है, जब से मैंने ये सीता जी को देखा पता नहीं पर हृदय में ये उथल पुथल मच गया, पर हृदय उथल पुथल मच गया, हृदय शांत नहीं हो रहा। इससे पता चलता है ये जो ये सीता है ना, ये तुम्हारी भाभी बनने वाली सीता, तुम्हारी ये भाभी बनने वाली तुम्हारी सीता है। इसलिए लक्ष्मण भी बड़े खुश हो गए। जब खुश हो गए इतने में जब उन्होंने वापस आए, उन्होंने वापस आकर गुरु जी को बोले, गुरु जी क्या बोले हैं, गुरु जी को उन्होंने बोले हैं, हमने जो सीता जी को दर्शन किया ना, उन्होंने ये बात को बोले हैं, सीता जी को दर्शन किए तो उन्होंने ये बात बोले हैं। जब उन्होंने बोले गुरु जी भी आशीर्वाद दिया है हैं, बोले गुरुदेव क्या आशीर्वाद उन्होंने दिया है, गुरु जी प्रकाश दिया है, सुफल मनोरथ होई तुम्हारी, राम लक्ष्मण मुनि भय सुखारी। इसलिए श्री विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होकर के बोले सुफल मनोरथ है तुम्हारी, तुम्हारी जो मनोरथ सुफल हो। तब उनके टीकाकार लोग कहते हैं, कहते उन्होंने दोनों को ही आशीर्वाद दिया, दोनों का ही मन सुफरत हो, दोनों का ही मन पूरी इच्छा हो, सुफल हो, लेकिन उन्होंने राम को दिया लेकिन लक्ष्मण को क्यों दिया है, लक्ष्मण क्यों दिया, अपने कारण है। उसमें जो उनको जो आठ सखियां आई थी ना, उसमें उर्मिला भी थी, उसमें उर्मिला भी थी, उसको जरा गुरु जी बताए केवल राम का सुफल मनोरथ नहीं, केवल नहीं तुम्हारा भी मनोरथ सफल होगा, तो तुम्हारी भी शादी उनको बताया ना, तुम्हारी है उर्मिला को साथ में तुम्हारी भी शादी होगी, इसलिए चिंता मत किया कर। इसलिए दोनों भाइयों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर मैया सीता ने जब उन्होंने श्री माता देवी को उन्होंने जो पूजा करने के लिए गई है, माता गौरी की पूजा करते हुए उन्होंने पूजा कैसे की है, बोले जय 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 गिरि राजा किशोरी, जय जय गिरि राजा किशोरी, जय सा जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबद बदन शरण नमाता, जय गजबद न शरण नमाता, जगत जनानी दमिनी दूति गाता, नहीं तब दीम अध्य अवसाना, अमित प्रभा ओ वेद नहीं जाना,
भाबा भाबा भी भाबा परा भव किरा तारिणी विश्व विमोहिनी सुबह सबिहारी। इसलिए उन्होंने माता जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने प्रार्थना की, कहती माता जी को इसमें सब कुछ वर्णना करते, बोले माता जननी तुम तो सब कुछ कर सकते हो, अमीय प्रभाव है तुम्हारी, अमित प्रभाव, वेद भी जिसको प्रभाव को नहीं जानता है, जिसका आदि अंत अवशेष नहीं, इसलिए हे शंकर जी की, हे अर्धागिनी, इसलिए अपना प्रभाव को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को विमोहन करने वाली क्या करो, मेरी इच्छा को जो मन में जो हमारी इच्छा है ये इच्छा को सफल मन रहता कर, इसको इच्छा पूरी कर। जब उन्होंने प्रणाम की ना, प्रणाम करते समय माता जी गला में की जो फूल की माला थी वो अपने आप टूट करके सीता जी के सर के ऊपर में गिरा। इसको पाते ही मैया सीता अपने आप गिर नहीं गया, गिराया गया, अपने आप गिरा नहीं, उसको गिराया गया, किसी ने गिराया मतलब माता देवी ने, बोले देखो तुम जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो तुम्हारी इच्छा मन सफल मन रथ होगा। मैया सीता बड़ी प्रसन्न होकर के वो फूल की माला को लेकर के उन्होंने अपना घर में आई। फिर हम कल सुनेंगे कैसे धनुष भंग कैसे भगवान राम ने की, और राम को साथ में कैसे प्रभु के शादी हुई कल सुनेंगे। और देखो कल श्री रामनवमी है, इसलिए कल यहाँ पर न सवेरे तो कथा जो कथा होगी, और यहाँ दोपहर में हम लोग सब 10 बजे आएंगे, ठीक है, 10 बजे आकर के सबके सब कीर्तन करेंगे। और प्रभु जी देखना राम लक्ष्मण सीता जी का कोई छवि हो ना, कोई छवि आज अगर ले आते तो अच्छा रहता है, आज अगर ले आते अच्छा रहता, छवि को सामने रख करके, हाँ छवि को रख कर, हाँ पुस्तक में है ना उसको रख करके, पंचामृत कल पंचामृत से उनका ठीक 12 बजे हम यहाँ पर थोड़ा कीर्तन करेंगे, और कैसे भगवान राम जन्म हुई कथा को सुनेंगे, उसको उसी समय में आप क्या करना ठाकुर जी को अभिषेक करना, ठीक है, अभिषेक के बाद में वो चरणामृत लेकर के फिर सबके सब व्रत खोलेंगे। इसलिए कल 12 बजे सवेरे प्रसाद नहीं, दोपहर का 12 बजे हाँ फलाहार फलाहार, ठीक है। बोले शिष्यावर रामचंद्र की, बोले श्री अयोध्यापुरी की, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत की, बोले राज श्री दशरथ महाराज की, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा की, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
ஜெயந்தி.